this is the another example of slack byte. In just a previous session मैंने आपको discuss किया था provide किया था concept of slack byte plus related examples. Means just a previous video मैंने explain क्या किया था given example. Means just इसे example को previous example से compare करके explain करूँगा देना आपके लिए concept और अच्छे से clear समझना possible हुआ. Previous case में मैं फिर से आपको idea provide करूँ. Previous case में two array create किए थे a और b. इस case में b का size क्या 3, b के respect में create किया हुआ था just slack byte bottom part of the b means that place. Means b के respect में b का size क्या था 3 bytes. a का size 4 है then madam means a के respect में कोई problem नहीं. Problem किसके साथ था b के साथ. b का size क्या था 3. b के just बाद bottom part में create किया हुआ सम unused place और unreserved memory. इसका size क्या 1 byte. इसलिए इसे middle case में display क्या हुआ था garbage character. Plus in previous case में a और b दोनों array के addresses में कितने का difference था just 4. Then next example explain करूँ regarding same case. इस सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करना. इस करेंटली चेक करो कोई स्लैक बाइट क्रिएट होने के चांसेस हैं कि नहीं. एड्रेसिंग एड्रेस समथिंग मैं किसी मिडिल प्लेस का एड्रेस का एज्यूम कर रहा हूं या 100 तो नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या हो जाएगा. सिमिलरली एड्रेस रख रहा हूं जिससे आपके लिए आउटपुट्स कंपेयर करना पॉसिबल होगा. एड्रेस है 100 99 98 97 64 65 432 एंड सो ऑन. क्लियर. इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले अगेन क्रिएट किया रहा एरे ए और ए का साइज क्या 4. तो स्टैक के टॉप प्लेस पर 2 बाइट्स एलोकेट होंगे टू द वेरिएबल ए विद कंटेंट्स ए बी सी. ए बी सी कैरेक्टर्स के फॉर्म में असाइन हो जाएंगे. प्लस लास्ट प्लेस पर मींस फोर्थ प्लेस के लिए कोई भी कैरेक्टर सप्लाई नहीं किया इसलिए डिफॉल्ट कैरेक्टर इंसर्ट होगा एज अ नल. देन इसके जस्ट बाद क्रिएट किया हुआ वेरिएबल एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट मींस नेक्स्ट बाइट. प्रीवियस केस में जो स्लैक बाइट क्रिएट हुआ था 96 लोकेशन वो लोकेशन इस केस में असाइन किसके लिए हो रहा है एक्स के लिए. प्लस एक्स में कैरेक्टर असाइन किया मैंने एट द रेट सिंबल. नेक्स्ट वन बी या चेक करो ए का साइज ऑलरेडी कैसा है इवन. तो ये ए को इस केस में इग्नोर करेंगे जस्ट कम चेक करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बी. एक्स के केस में बात करें तो एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं 1 बाइट्स. प्लस बी के लिए बात करें तो बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं 3 बाइट्स. तो टोटल क्या रहा है इसका 4. ए के केस में भी साइज क्या 4. ए और बी दोनों में से ए का भी टोटल निकालो तो टोटल कितने वो 8. मीन सभी केसेस में टोटल क्या इस केस में इवन और ऑड बाइट्स. इवन बाइट्स तो इस केस में कोई भी स्लैक बाइट क्रिएट होने के चांसेस नहीं. क्यों स्लैक बाइट इस केस में ऑक्यूपाई कौन कर रहा है वेरिएबल एक्स. क्योंकि एक्स एरे बी से पहले क्रिएट हुआ है. अगर एक्स बाद में क्रिएट करते देन उस केस में स्लैक बाइट जनरेट होने के चांसेस थे. इसके जस्ट बाद क्रिएट किया हुआ एरे बी. बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए प्रीवियस केस में. बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए थे 3 बाइट्स. इस केस में बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे ऑल्सो 3. बी के केस में आसान किया कैरेक्टर पी क्यू आर. प्रीवियस केस में 96 लोकेशन के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं था गेस करना पॉसिबल नहीं था. लेकिन इस केस में 96 लोकेशन का कैरेक्टर आपके लिए गेस करना पॉसिबल. क्योंकि ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट किसके थ्रू हो रहा है वेरिएबल एक्स में से. इस केस में लोकेशन कैसा रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड. रिजर्व्ड प्लेस. अगेन इस केस में जब ये आउटपुट एग्जीक्यूट हुआ है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ इसका आउटपुट चेक करेंगे. फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या करा है एड्रेस ऑफ ए. इस केस में ए का एड्रेस क्या है 97. एक्स का एड्रेस क्या है 96 और बी का एड्रेस क्या है 93. तो ए का एड्रेस क्या अभी 97 देन एड्रेस ऑफ एक्स विच इज 96. एड्रेस ऑफ बी. बी का एड्रेस क्या है 93. प्रीवियस केस में इस केस में कंपेयर करो प्रीवियस केस में भी ए का एड्रेस क्या था 97 और बी का एड्रेस क्या था 93. अगेन ए और बी के एड्रेस में कितने का डिफरेंस है एग्जैक्टली 4. क्लियर. इस प्रीवियस केस में 4 का डिफरेंस था अभी भी डिफरेंस कितने का एग्जैक्टली 4. नेक्स्ट वन डिस्प्ले करा है कंटेंट्स ऑफ ए. ए के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं. ए का बेस एड्रेस पास होगा 97. 97 से कैरेक्टर रीड होंगे 97 में क्या फाउंड हो रहा है ए. देन नेक्स्ट प्लेस पर बी देन सी. इसके जस्ट बाद क्या हम जाए नल देन रीड करना स्टॉप कर देगा. देन बी पास किया बी का बेस एड्रेस क्या है इस केस में 93. तो इस केस में प्रिंट एफ फंक्शन किस लोकेशन से डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 93 ऑनवर्ड्स. 93 में कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा है पी. देन नेक्स्ट लोकेशन में क्या फाउंड हो रहा है क्यू आर. क्यू एंड आर. देन इसके जस्ट बाद नेक्स्ट लोकेशन में क्या फाउंड हो रहा है नल और गार्बेज और एट द रेट. एट द रेट क्योंकि इस केस में आपने मैन्युअली इनिशियलाइज किया था ना आप श्योर हो इस केस में 100% क्या स्टोर है एट द रेट सिंबल. तो नेक्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा जस्ट
सिंबल एज एट द रेट। नेक्स्ट केस, अभी भी कहीं नल मिला क्या? नहीं, नेक्स्ट वन ए, नेक्स्ट वन बी एंड नेक्स्ट वन सी, क्लियर। देन फाइनली क्या मिला इस केस में, नल देने रीड करना स्टॉप कर दिया। दिस इज द बिहेवियर ऑफ स्लैक बाइट। जस्ट नेक्स्ट केसेस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अबाउट फंक्शंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग ऑपरेशन। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रीडिफाइंड फंक्शंस इंटरनली किस टाइप से क्रिएट हुए हैं उसका कोड मैं खुद से सेल्फ जनरेट करके एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। इसके जस्ट बाद फाइनली स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस प्लस प्रोग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा।